मेरी वैष्णो माँ, जय मेरी नौ देवियों। जय माता दी, 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 जय माता दी। माता रानी की सब जगह धूप 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 धूप, पूरे घर पवित्र हो गया। जय माता दी, जय माता, जय मेरी माँ, जय मेरी माँ। आप लोग भी आरती ले लीजिए। माता दी, जय श्री राम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बज गए हैं 9 o'clock। थोड़ा सा आज लेट हो गई मैं, बट इट्स ओके, सम टाइम होता है। हम लोग बातों में लग गए थे, मैं और रिया, रिया भी उठ गई थी, तो थोड़ा बातों में लगने के बाद थोड़ा सा लेट हुआ। तो अभी यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा है, वेदर बताऊँ तो अच्छा है काफ़ी, लेकिन धूप काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे नहीं बैठ सकते हमेशा की तरह, जैसे कि हमेशा आपको बताया है। भगवान जी को फूल देना भूल गए, माता रानी के लिए फूल ले लेती हूँ। पानी देना पड़ेगा गाय, क्योंकि पानी में दे नहीं पाई, तो ले चलते हैं माता रानी के लिए फूल। मेरी पहाड़ा वाले, मेरी माँ, मेरी बिगड़ बनाने आज जताली, मेरी माँ, मेरी बिगड़ बनाने, मेरी बिगड़ी बनाने आ जाओ। जय माता दी। तो गाइस, मैं माता रानी को फूल चढ़ा दी मैंने, अभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म चाय, बनाने वाली हूँ चाय, और चाय के साथ देखती हूँ क्या खाना है, वही ड्राई फ्रूट्स वगैरह या आलू। तो लेट्स सी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बस 2 मिनट में चाय रेडी करके आती हूँ। तो गाइस, रिया निकल रही है, अपना आईफोन उसने ले लिया है, वो आईफोन के पर्पज से ही आई थी यहाँ पे, मस्ती करने के लिए आई थी। और अभी रिया जा रही है दिल्ली, क्योंकि उसकी फ्रेंड का कुछ फंक्शन है। क्या फंक्शन? हाँ, मेरी फ्रेंड है जो बचपन की, भाई की शादी है, तो वो शादी अटेंड करने जा रही है। चले गए, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलने वाले हैं वैसे हम, सीक्रेट है। चलो बाय बाय। तो जी गाइस, सबका लंच करा दिया है मैंने, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, ये देखिए सबने लंच, आप देख सकते हो। मैं भी यहाँ रेडी हो गई हूँ किस चीज़ के लिए, पता है आपको? आज मेरा है लास्ट फास्ट। जी हाँ, आज तारीख है 16 और आज है 8वां व्रत मेरा, कल 9वीं पूजन होगा, 9वीं पूजन होगा, और मैंने पूरे 9 व्रत कंप्लीट किए। कल मेरे पूरे 9 कंप्लीट हो जाएंगे व्रत। तो आज गाइस मेरा मन कर रहा लास्ट डे है, तो क्यों ना मैं व्रत वाली थाली खाऊं। एक्चुअली इतने सारे ऐड आ रहे थे, मैंने देखा कि व्रत वाली थाली आकर है कैसी, तो चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेती हूँ कि व्रत वाली थाली में इतने इतने अच्छे व्यंजन है, क्या ही बताऊं गाइस मैं आपको। 2:30 बज चुके हैं, लगता है कृष्णा आ गया है। चलो चेक कर लेती हूँ। तो खाना मैंने कृष्णा का रख दिया है, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था। कृष्णा 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 जगमग हरे अंगना। तो जी गाइस, चलिए मैं ले लेती हूँ अपना पर्स, और पर्स लेके मैं निकलती हूँ कृष्णा को बता के कि खाना रख दिया है तुम्हारा। तो चलिए आज चलते हैं और देखते हैं क्या जो दिखता है वही ओरिजिनल है या नहीं, जैसा दिखाते हैं। इतना लजीज लजीज खाना, मेरी बॉस कहेगी इतना लजीज लजीज खाना दिखता है ना कि यार मेरे तो मुँह में पानी आ गया। साबूदाने का ये वो खीर और अब तरह तरह के मतलब रायते और स्पेशल देखना चाहते हैं कि 450 से लेकर 500 तक की जो थाली है उसमें एटलीस्ट है क्या। तो चले गए, चलिए मेरे साथ, बॉस तो मैं लिखूंगी, पहन लूंगी, मिलती हूँ आपसे मैं सीधे, जहाँ पे भी मैं मिष्ठान में या कहीं पे भी जाऊँगी वहाँ से आप पहुँचती हूँ। बाय। जहाँ पे मैं जा रही हूँ, जहाँ पे मैंने थाली देखी थी, वहाँ पे दुर्गा माँ का मंदिर है। अगर हो सका तो, जैसे कि आज लास्ट दिन है 8वां, तो अगर हो सका तो माता रानी के दर्शन भी आप लोगों को कराऊंगी, और मैं तो करूंगी ही और आपको भी करवाऊंगी। Thank you.
और गाइज मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे दुर्गा माता के मंदिर। जी हाँ, नव दुर्गा मंदिर। आइए मैं यहाँ पे पूजा की थाली ले लेती हूँ और प्रसाद ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये भोजनालय है, इसको बाद में देखेंगे। पहले चलते हैं पूजा की थाली लेने के लिए, और नहीं सॉरी, फूलों की थाली लेने के लिए और प्रसाद लेने के लिए। हे, ये है दुकान वाले भैया, और यहाँ से ले लेती हूँ प्रसाद। ये देखिए कितनी प्यारी टोकरियाँ हैं जिनमें ये फूल रखे हुए हैं। तो सिर्फ मुझे गुलाब के ही फूल चाहिए माता के लिए। और यहाँ पे मैं प्रसाद ले लेती हूँ बूंदी का। जी हाँ, लड्डू का नहीं चाहिए, बूंदी का ही चाहिए। ले लिया है प्रसाद यहाँ पे, और चलते हैं माता के दरबार में। आइए मेरे साथ। जय माता दी। देवियों के दर्शन हो गए हैं, और ये है प्रसाद, आप लीजिएगा प्रसाद। आज है माता रानी का आठवां दिन, यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे, और कल है नौमी, मतलब भंडारा है बहुत बड़ा। चलिए गाइस, तो अभी भूख लग रही है बहुत जोर से, माता रानी के दर्शन हो गए हैं, अब तो भाई पेट पूजा तो लाजमी है। अभी यहीं पे चलते हैं माता रानी का, यहाँ पे देख सकते हैं माँ रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स, अतिथि देवो भव। चलिए आइए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ आपको अच्छी अच्छी थालियाँ। लिया है अब यहाँ पे देखो, मुझे खींचने हैं यहाँ पे कुछ फोटोज, जल्दी से खींच लेती हूँ फटाफट, और उसके बाद मैं जाती हूँ घर। और गाइज मेरे फाइनली दर्शन हो गए माता रानी के। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो जी गाइज, फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ, और आप देख सकते हो अब तो ऐसी नींद आने वाली है ना, आप देख सकते हो ऐसी नींद आएगी ना गाइज। पूरी थाली में 5 पूरी थी 5, आप यकीन कर सकते हो 5 पूरी खा गई मैं। और अबे भाई साहब, मैं तो वहीं से लग रहा था जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो, सोना है बस। अभी सो जाती हूँ, घड़ी में बज रहे हैं 4:45, सो जाती हूँ, अब सीधे उठूँगी मैं 5:45, मतलब बच्चों की बैल बज जाएगी, वो बच्चों की बैल बजेगी अब, जो डांस वाले स्टूडेंट आएंगे मेरे। अरे नहीं, आज तो 5 बजे का टाइम है। ओके, आज तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक की क्लास लेनी है आज। ओह शिट, 2 घंटे क्लास लेनी है, तो अभी 1 घंटा ही है मेरे पास, तो फिर 4:45 तो हो गए। हाँ तो चलिए गाइस, मैं 1 घंटे आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं आपको डांस क्लास के बच्चों से मिलूँगी। बाय।
और गाइज मैं सो के उठ चुकी हूँ, घड़ी में आप टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने गिफ्ट पैक करा लिया कृष्णा से और चलते हैं। मिस्टी के यहाँ मेरी पड़ोस में जो है अर्पिता की डॉटर, उसका है बर्थडे। ये देखिए, आपको देखिए कैसे हेलो करने लगी, हैप्पी बर्थडे जी। गाइज मैं तो आ गई बर्थडे में से, मैंने चेंज किया फटाफट क्योंकि मेरा चल रहा था डांस क्लास और मिस्टी का केक कटिंग था, लेकिन मेरा था फास्ट, कुछ खा तो सकती नहीं थी, लेकिन फिर भी अर्पिता ने मेरे को सैंडविच वगैरह भेजा है कृष्णा के लिए, और मेरे को तो फ्रूट्स मिले हैं और चिप्स मिले हैं, तो वो खा रही है ना, ऐसा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे। अभी मेरा तो फास्ट है तो मैं खा लेती हूँ ये बनाना।